आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम गूगल सीट पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास है 50 to 80 हो तो 100 हो जाए, 800 हम रिजल्ट देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने आपको इफ के साथ एंड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था। बट प्रॉब्लम है कि एंड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब एंड यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन तो चलेगा बट सिंगल रिजल्ट। समझे सर? मल्टीपल कंडीशन विथ सिंगल रिजल्ट, समझे? तो लेकिन मेरे पास अलग अलग कंडीशन हुए, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे है कि लेस देन 50 हुआ तो 100, और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200 देना है। ठीक है, ठीक समझे? है, 50 से कम है तो 100 देना है, 80 से ज्यादा है तो 200 देना है। जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बाकी आगे देखते हैं, आप पढ़ा रहे क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो। हाँ सर, पहला तो आ गया समझ में। चलिए, इसके लिए हम ये लगाएंगे फॉर्मूला इफ का। इफ ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया और बोला ए अगर लेस देन इक्वल्स। सर एक बार थोड़ा सा, सर एक सेकंड रुक जाइए यहीं पे, एक बार मुझे ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी तो थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा पे, जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब वही ना, जैसे अपना ये टू सिंबल फर्स्ट, हो गया है इक्वल टू का, टू मीन फर्स्ट, टू अपना फर्स्ट। कम का ज्यादा का, यही वाला है ना, ग्रेटर देन हाँ, लेस देन, यही है। ठीक ठीक तो लेस देन, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुआ तो यहाँ पे आए, एक और इफ चेक करें कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, और ऐसा हुआ तो 800, अदरवाइज 200। अब 200 क्यों किया? क्योंकि यहाँ दूसरे इफ अगर यहाँ तक पहुंचेगा कब? जब वो पहले इफ को पास करेगा। पहला इफ पास किया, इसका मतलब कि 50 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम नहीं है, तो इसलिए मैं 200 दिया। अब इस इफ को, दूसरे वाले इफ को मैंने कर दिया क्लोज, और यहाँ पे मैंने दे दिया 100, क्योंकि दो इफ था तो दो हमें देना चाहिए था। अब इसको सही से समझिए, एक इफ लगा, एक इफ का लॉजिकल ऑपरेशन ये रहा, और इसका ट्रू पार्ट हमारा दूसरा इफ रहा, और फॉल्स पार्ट क्या रहा? 100 रहा। और दूसरे इफ का ये रहा ट्रू पार्ट, ये रहा लॉजिकल ऑपरेशन, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। एंटरप्रेस करें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? एक सेकंड, मैं एक बार समझता हूँ पहले। अगर अगर आपको पहले वाले सॉरी, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको अलग अलग लगा दीजिए। आप क्या कीजिए कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो 800, अदरवाइज लेस देन 50 हुआ तो 100 लगा दिए। अब यहाँ पे एक और इफ हाँ लगाइए कि चलिए। इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 800, नहीं तो 200। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहां जहां 800 था ना, उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। अब इसको इकट्ठा लगा लीजिए या एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करके लगा लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं सर? अगर ये 50 और 50 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक इफ बंद कर दिया, मतलब होल्ड नहीं कर नहीं दिया नहीं फिलहाल नहीं के लिए। नहीं हमने बोला फिर 50 आपने, से ज्यादा है तो दूसरा इफ चलाया। अगर 50 से ज्यादा होगा तो दूसरा इफ चलेगा। हाँ, 50 से कम होगा तो सीधे 100 देगा और दूसरा इफ स्किप कर देगा। तो ये पहले वाले का 100 इसका वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू, हाँ, और फिर यही ना आप कह दूसरा रहे इफ चला। हो। हाँ, दूसरा इफ चला, इसका ट्रू वैल्यू लेकर का फॉल्स वैल्यू। हाँ, इसका तो पता चल गया, दूसरे वाले का तो पता चल गया। दूसरे वाले का अगर 80 और 80 से कम है तो इसका ट्रू वैल्यू हो गया 800,
और फॉल्स वैल्यू हो गया 200, ये तो समझ में आ गया। हाँ पहले और वाले की पहले हुआ, वाले इफ पहले का, वाले की हुआ कि अगर A2 50 से ज़्यादा है तो दूसरा इफ चलेगा, नहीं तो 100 देगा। A2 50 से ज्यादा है तो दूसरा इफ चलेगा, दूसरा इफ का 800 वाला चलेगा, 200 का कोई लेना देना नहीं है इसका, यही ना। नहीं, दूसरा इफ चला तो फिर दूसरा इफ देखेगा ना कि 80 से छोटा है, तब 800 देगा ना भाई, 200 और 80 से जब कम हुआ देगा। तो फिर ये 100 क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में। आप बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए पहला इफ चला, यहाँ देखिए पहला इफ चला, अगर ये 50 से ठीक है ऊपर है तो इसने इसने क्या किया, दूसरे इफ को फॉरवर्ड कर दिया, भैया तुम चलो, नहीं है तो सीधे 100 ठीक शो करेगा और यहीं पे सब कुछ खत्म कर देगा, दूसरे इफ को मौका ही नहीं देगा। फिर दूसरा इफ चला, वो चेक ठीक किया कि अगर ए लेस देन 80 है तो ए 800 शो करेगा, नहीं तो फिर ए 200 शो करेगा। तो हमें ठीक है यहां तक खत्म। ठीक है, अब मेरा पॉइंट कहाँ पे बस रहा है, अगर दूसरा इफ ग्रेटर देन, अगर पहला इफ ग्रेटर देन 50 है तो वो सेकंड वाले इफ को बोलेगा चलने के लिए। हाँ तो सेकेंड वाला इफ जब अगर 50 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो नहीं, पचास से इसमें नहीं, 80 से कम, 50 से ज्यादा है तभी तो दूसरा इफ चला। हाँ दूसरा ठीक इफ है को इससे मतलब अब नहीं कि 50 से ज्यादा, दूसरा इफ को 80 से छोटा चेक करना है, दूसरा इफ पे जाएगा अगर तभी जो पहले इफ को वापस प्रोसेस कर देगा। हाँ तो अगर मान लीजिए सर, अगर ये सेम उसी तरह से कि आप बोलोगे ग्रेजुएशन कर रहा हूं मैं, तो वो थोड़ा पूछेगा कि आपने 10th 12th किया है कि नहीं किया है, ठीक है पूछेगा नहीं पूछेगा ना। ठीक तो लेवल हो गया कि फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ तो सेकेंड लेवल, अगर सेकेंड लेवल पे आया तो सिस सस वो अपना अपना लेवल चेक करेगा, फिर सेकेंड लेवल पे आया ही है, फर्स्ट लेवल को पास कर गया। मैं एक बार में ही इफ और एंड नहीं लगा सकता हूँ। तो सर प्रॉब्लम ये है कि आप फिर दो ही रिजल्ट दे पाओगे ना, 800 नहीं तो 100, 200 के रिजल्ट नहीं दे पाओगे ना आप, हाँ 200 का नहीं दे पाऊंगा। समझे। आगे बढ़े, ड्रैग करने पे आ गया। अब सेम इसी तरह से मंडे टू फ्राइडे में हमारा ऑफिस ओपन है, सैटरडे हमारा हाफ डे है और संडे हमारा ऑफ है, तो यहां भी हम और नहीं लगा पाएंगे, यहां भी हमको तीन इफ चाहिए। कंडीशन हो गए। तो यहां हमने इफ यूज किया और बोला कि क्या ए इक्वल टू सैटरडे है, ठीक सैटरडे है है तो तुम यहीं पे एचडी दे दो, मतलब कि हाफ डे, ठीक है सर, नहीं तो फिर वो अगला इफ चेक करो कि क्या ए इक्वल टू संडे है, अगर है तो यहीं पे दे दो ऑफ, ऑफ अदरवाइज ओपन होगा, क्योंकि तो ओपन होने के चांसेस ओपन एक ही बार है। कर तो अब क्या होगा, अब देखिए ए बिल्कुल एंड का अपोजिट है, वो पहला इफ चला, ठीक है ना, पहला दो। इफ में इसने देखा कि अगर सैटरडे है तो इसी में हाफ डे एचडी शो करेगा और दूसरा इफ को मौका ही नहीं देगा। ठीक है दूसरा इफ को मौका कब देगा, जब ए इक्वल टू सैटरडे नहीं है, क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के किस पार्ट में है, फॉल्स पार्ट में है ना, फॉल्स पार्ट में, फॉल्स पार्ट में है। फिर दूसरा इफ चलेगा, चेक करेगा कि संडे है, अगर संडे है तो फिर ए ऑफ दे देगा, नहीं है तो ओपन तो दे देगा, क्योंकि ओपन इसे दिया कि पता है कि संडे चेक किया, मतलब उसे सैटरडे चेक कर चुका है, इसका मतलब है कि संडे, इसके बाद संडे सैटरडे संडे नहीं, अब ये मंडे टू फ्राइडे का डेट है तो ये ओपन हो गया, समझ गए। ठीक है तो सेम चीज इसमें भी क्यों नहीं लगाया हमने, ये चीज एक ही बार में हमने क्यों नहीं सेम इसका कंडीशन दे दिया यही चीज। नहीं, इसमें हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, कि एक तो है कि मेरे पास तीन इनपुट, तीन क्या है, तीन इनपुट रिजल्ट है है, तो इसमें और तो लगा ही नहीं सकते। दूसरा इसमें मुझे दो कंडीशन चेक ही नहीं करना है, हमें बस एक ही चेक करना है, इसमें दो चेक करना था ना, 50 टू 80 के बीच में होना चाहिए, बट यहाँ है कि तुम सैटरडे है ठीक है, संडे है, तो वन बार में एक ही कंडीशन चेक करना, दो तो करना ही नहीं, इसलिए इसमें हमने हर इफ को सेकेंड पार्ट के, हर इफ को फर्स्ट पार्ट के फॉल्स पार्ट में डाला, समझे। ये तो ये वाला तो मेरे को समझ में आ गया 100%। इस पे मैं अभी थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हूँ। अच्छा आप कह रहे हो कि इसमें दो दो कंडीशन है,
ये 50 से 80 के, 50 से कम, लेकिन इसमें कहाँ। अच्छा हाँ, पहला वाला जो है वो 50 और 80 के बीच का है ना, और दूसरा वाला है वो 50 से कम का है, और तीसरा वाला 80 से ज्यादा का है। ठीक है। समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा और आपके दिमाग की एक्सरसाइज करता हूँ, इस पे आते हैं। तो इसके लिए हमने एंड का इफ यूज किया था ना, एंड लगाया था, और काउंट इफ भी मैंने इसमें बताया था आपको। तो ये दोनों को भूल जाइए, क्यों कि मुझे अब दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका फेल हुए है। तो फेल है तो यहाँ फेल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सब्जेक्ट 2 में फेल हुआ है। किसमें फेल हुआ है? सब्जेक्ट 2 में। ये कौन सा फेल है? तो ये आपका फेल हुआ है सब्जेक्ट 4। ये आपका सब्जेक्ट 4 में फेल है। इस तरह का मल्टीपल रिजल्ट देना है, तो एंड तो कर नहीं पाएगा ना सर, क्योंकि एंड में दो ही हाँ कंडीशन है, पास और फेल। क्या हाँ तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? नेस्टेड इफ का। अब यहां लगाते हैं कि इफ, इसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चेक करो। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो तीसरा इफ को चेक करो। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो अगेन चौथा इफ को चेक करो। 30 है, अगर चौथा इफ तक पहुंच गया इसका मतलब है कि वो पास है, और नहीं चौथा इफ में में फॉल्स हुआ इसका मतलब है कि सब्जेक्ट 4 में फेल हुआ। तो अभी हमने चौथा इफ को क्लोज कर दिया, अब कॉमा करेंगे तो तीसरे इफ पे आ गए। तीसरे इफ पे आ गए तो यहाँ पे सब्जेक्ट 3, क्योंकि 4 इफ लगाए थे, 4 4 फॉल्स देना पड़ेगा ना हमें। फिर ठीक है ठीक है ठीक है। तो वापस अब कॉमा, फिर आपने सब्जेक्ट 2 फेल, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 फेल। अब यहाँ पे एंटरप्रेस की एक में एरर आ गया, एरर आया कि हमने कुछ गलती किया होगा। इफ 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 सही है, पास फेल। अच्छा यहाँ पे कोटेशन मार्क छोड़ दिया था अभी, और भी कहीं कोटेशन मार्क छोड़ा हुआ है। ये लास्ट में ये लगा हुआ है, इसे हटाना पड़ेगा। बस हो गया, अब अब हो गया, हो जाना चाहिए। हो गया। समझे? तो हाँ अब एक बार नीचे करिए यहाँ पे, इसको। हाँ यहाँ पे समझ, C2 अभी समझिए समझिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। एक चलेगा पहला इफ, पहला पहला इफ चला, पहला इफ ने कंडीशन चेक किया, अगर इसको ट्रू मिला तो ये दे देगा दूसरे इफ, फॉल्स मिला तो सारे इफ को इग्नोर करेगा और सीधे लास्ट वाला इसको शो कर देगा, समझे? फिर दूसरा इफ गया, लास्ट। दूसरा इफ गया, दूसरा इफ हाँ चेक करेगा, पहला इफ जो फॉरवर्ड दूसरे इफ को करेगा, दूसरा इफ चेक करेगा कि अगर इफ पास, अगर ट्रू है तो ये तीसरे इफ को फॉरवर्ड तो करेगा, यहाँ नहीं देगा तो ये अपना फॉल्स को शो नहीं कर तो देगा। डायरेक्ट H2। उसके बाद ये आया, इफ तीसरे को चेक करेगा, अगर है तो चौथे को फॉरवर्ड करेगा, तो नहीं तो अपना ये फॉल्स शो कर देगा। फिर चौथा चेक किया, अगर है तो ये पास शो करेगा, अदरवाइज ये अपना फॉल्स शो कर देगा। अब बात आती है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या लगा पाएंगे, तो लगाने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था मर्जिंग का। तो आप कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट तो हाँ मर्जिंग कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह का ट्राई पहले मत कीजिएगा, पहले ऐसे ट्राई मत कीजिएगा, पहले यह तरीका ट्राई कीजिएगा। आप नीचे लिखिएगा, इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है ग्रेटर देन 30 तो पास, तो पास वरना अदरवाइज फेल। सब्जेक्ट 1 फेल। ठीक है, अब इसको कर दीजिए ड्रैग, और ओके सब में जाके सब्जेक्ट 2, ठीक सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। तो आपने चारों फॉर्मूला अलग अलग लगा लिया, ए आपका किसको, B2 को चेक कर रहा है, ए आपका C2 को, ए आपका D2 को, ए आपका E2 को। अब लास्ट से फर्स्ट की तरफ आते चले जाइए, ठीक है? लास्ट से फर्स्ट की तरफ, ठीक तो लास्ट वाले को चेक किए, और आपने क्या किए, आपने S4 को, कॉपी किया। सब्जेक्ट 4 को चेक किया, और इसके अंदर आ गए हम सब्जेक्ट 4 के पास वाले जगह पे।
और सब्जेक्ट फोर का जो फॉर्मूला था उसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर वापस सब्जेक्ट थ्री का फॉर्मूला जो सब्जेक्ट वन एंड टू सब्जेक्ट थ्री एंड फोर को कंबाइन किए हुए उसको कॉपी कीजिए, ठीक है सर। और सब्जेक्ट टू के पास वाले सेक्शन पे मैंने डिलीट करके उसके जगह पे पेस्ट कर दीजिए। अब फिर वापस सब्जेक्ट टू जो कि सब्जेक्ट टू थ्री फोर को कैरी किए हुए हैं उसको पूरा कॉपी कीजिए, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। एस्केप मार के बाहर आइए और यहां जहां पास है इसके जगह पे पेस्ट कर और एंटर कर दीजिए। और फिर इस फॉर्मूले को यहाँ इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए इक्वल के साथ, कट भी कर सकते हैं या फॉर्मूले भी डबल क्लिक करके, कट भी कर सकते हैं या फॉर्मूले को भी इक्वल के साथ कॉपी कर लीजिए डबल क्लिक करके और यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ क्या सर, ड्रैग कर दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ एक साथ लगा ले या ऐसे लगा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पहले इस वाले मेथड को फॉलो कीजिए। समझ गए? मेरे को एक चीज और बताइए। हाँ, ये अपन ने ये क्यों नहीं फेल वाले को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? कौन सा फेल? जैसे आपने बस पास वाले वैल्यू तो का रिजल्ट देने तो फर्स्ट बार नहीं समझ में आया आपको, हमें चेक तो ट्रू को करना है ना, फेल को नहीं करना है। फेल तो करना ही है, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, फेल अगर पास है तभी वो आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ अगर पहले ही सब्जेक्ट में फेल हो गया तो बाकी की तो जरूरत ही नहीं है ना, हमको सीधे इसको शो करेंगे ना सर, ठीक है, इसको कहे ओवरराइड करेंगे, हम पास को करेंगे ना, समझे। देखिए सिंपल सी बात समझिए, जहां पे एंड का मेथड अप्लीकेबल होता है ना वहां पे एक दूसरा ही पहले इसके ट्रू पार्ट में होता है, समझे। जहां पे आपका इफ का जहां पे आपका इसका एंड का मेथड लागू होता है और जहां पे और का मेथड लागू होता है वो आपका दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में। जैसे यहां देख लीजिए, यहां एंड मेथड है तो दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में है और यहां पे और मेथड है तो पहला दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में है। समझ में आ गया? और मेथड है तो पहला वाला जो इफ है नहीं, दूसरा वाला दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में है। हाँ ठीक है, ठीक पहला ही दूसरा ही पहले के फॉल्स पार्ट में और एंड मेथड में दूसरा ही पहले के ट्रू पार्ट में। अगर यहाँ पे आपने वो कर दिया तो पहले के ट्रू पार्ट में अगर पहला इसका ट्रू है ठीक है तो ही फिर वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसमें है कि अगर पहला ट्रू है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट दे दो काम खत्म। जैसे कि मैंने सिंपल से समझिए ना कि आपको जाना है कंप्यूटर के दुकान पे, आपको दो चीजें दो आदमी ने दो चीज सामान दिया, एक ने मोबाइल किनने के लिए बोला, एक ने लैपटॉप किनने के लिए बोला है। लैपटॉप वाला बोला है आपको कि भाई देख लो लैपटॉप i5 होना चाहिए और 50,000 से कम का रेट का होना चाहिए तो बाय करो वरना बाय मत करो। समझ गए? तो आपको यहाँ पे एंड लग रहा है कि आपके पास दो कंडीशन है कि भाई 50,000 भी चेक 50,000 से प्राइस नीचे होना चाहिए और i5 तो लेना ही लेना है। क्लियर? अब दूसरा इसमें दूसरे बंदे ने मोबाइल के लिए बोला, बोला भाई एक काम करो तुम देखना कि 20,000 से नीचे वाला जो फोन होगा ना किन लेना, अगर 20,000 से नीचे का फोन ना मिले तो आईफोन किन के ला। तो आप जाओगे पहले दुकान में, तुम गए पहले दुकानदार ने बोला आपको, बोले कि 20,000 से नीचे का फोन दिखा दो, उसने दिखा दिया, आप लेके चले आए। आपको आईफोन लेने की जरूरत है? नहीं ना है। अगर दूसरा वाला बोला कि नहीं नहीं मेरे पास 20,000 का फोन नहीं है तो आप जाओगे फिर आप क्या करोगे, आईफोन ट्राई करोगे, फिर एप्पल के शोरूम में जाओगे बोले कि आईफोन दे दो। आईफोन कब लेना है? अगर 20,000 का फोन ना मिलता है तो आईफोन लेना, अगर मिल गया तो आईफोन को जाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न आ जाओ। सेम थिंग यहाँ है कि अगर इसने चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया, सैटरडे चेक कर लिया तो संडे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसको, नहीं है उसको। उसी तरह से अगर इसने चेक, अब यहाँ पे देखिए कि अगर इसने चेक किया 50 से ऊपर है, अच्छा 50 से ऊपर है चलो 80 से ऊपर चेक करो,
उसको मिल गया 50 से ऊपर तो चेक करेगा, जैसे कि आई फाइव और 50,000, उसको आई फाइव मिला और 50,000 अमाउंट मिला, अब तभी होगा ना। अब जैसे गया बोला आई फाइव है, बोला नहीं है, तो क्या करेगा वो, सीधे बाहर निकल आएगा दुकान से, वो ट्राई करेगा 50,000। आप दुकान में गए आपसे, उससे आपने आपने पूछा कि भाई आपके पास आई फाइव है, वो बोला नहीं, तो आप क्या करोगे, सीधे दुकान से बाहर आ जाओगे। बाहर आ जाओगे। अगर उसने बोला कि हाँ, तब पूछोगे प्राइस 50,000 से नीचे का है तो बोलेगा, उसने बोला हाँ तो बायर प्रोसीजर फॉलो होगी, नहीं तो क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। सेम थिंग है, समझ में आया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज जो है ना ये काफी है, क्योंकि